स्वप्न कोड़े बोल शारशा में इंडिया पाकिस्तान मैच है, मैं दुबई जाके उसे खत्म कर दूंगी। इस लॉकडाउन में थिएटर बंद होने के बाद हम लोगों का पता नहीं क्या होता अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज देखने को ना मिलती। हर महीने इंडिया में एक ना एक वेब सीरीज तो जरूर रिलीज की जाती है जो कि हमें बोर होने से बचाने में काफी कामयाब होती है और हमारा अच्छा खासा टाइम पास करा देती है। हम सब जानते हैं कि पिछले महीने दो ऐसी वेब सीरीज रिलीज की गई थी जिनकी वजह से इस लॉकडाउन में हमें थोड़ा बहुत सुकून तो मिल गया था, और वो वेब सीरीज थी असुर और भोकाल। और इसी तरह इस महीने भी काफी वेब सीरीज रिलीज की जा रही है जिसमें से एक है एक थी बेगम, जिसका रिव्यू आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना और याद रहे मेरे चैनल मेहताब टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विशाल भारद्वाज ने दीपिका पादुकोण को लेकर एक सपना दीदी नाम की फिल्म बनाने की बात कही थी। वो सपना दीदी जिसने दुबई जाकर दाऊद को मारने का सपना देखा था, एक थी बेगम उसी सपना की कहानी है। एक अच्छी कहानी मिलना और उस पर एक अच्छी वेब सीरीज या फिल्म बनाना दोनों अलग अलग बात है। पहली बात तो यह है कि एक थी बेगम हिंदी में नहीं बनी है, इसे सिर्फ हिंदी में डब किया गया है। रियल में ये वेब सीरीज मराठी में बनाई गई है जो कि लॉकडाउन के समय में हिंदी में डब कर लोगों के सामने पेश की गई है, जिसकी वजह से लोगों का इसको काफ़ी प्यार भी मिल रहा है। और इस वेब सीरीज के अंदर टोटल 14 एपिसोड हैं। अगर जो मेकर चाहते तो इस कहानी को 7 से 8 एपिसोड में पूरा कर सकते थे, लेकिन 14 एपिसोड होने की वजह से कहानी कहीं कहीं भटकी भटकी सी नजर आती है। अगर कहानी की बात करें तो दुबई में बैठे अपराधी मकसूद का एक चेला मुंबई में हीरोइन का कारोबार फैलाना चाहता है। जहीर नाम का दादा इसके खिलाफ है। मकसूद के लोकल चेले नाना से उसका पंगा होता है। पहले नाना का भाई मारा जाता है और फिर जहीर की बीवी अशरफ इसका बदला लेने का फैसला करती है। उसको सही ठहराया जा सके इसलिए पहले वो कानूनी लड़ाई लड़ती है और फिर खुद कानून बन जाती है। कहानी शुरू यहीं से होती है, बाद में कहानी फ्लैशबैक में घूमती फिरती फिर वापस यहीं पर आ जाती है। कहानी के बारे में मैं आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोगों का इस वेब सीरीज को देखने का मजा बिल्कुल भी खराब हो। लेकिन अगर आप गैंगस्टर के ऊपर बनी मूवीज देखना पसंद करते हो तो ये वेब सीरीज आपके लिए है। आप इस वेब सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना, और खास करके जो लोग मसाला मूवीज पसंद करते हैं ये वेब सीरीज उनके लिए तो मस्ट वॉच है। आप इस वेब सीरीज को एक बार तो जरूर देखना, ये वेब सीरीज आप लोगों को बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। अगर एक्टिंग की बात करें तो अजय गेही दाऊद जैसा दिखने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं और हमें कई सीन में तो ऐसा फील होता है जैसे हम वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के इमरान हाशमी को देख रहे हों। नाना बने राजेंद्र ओवर एक्टिंग का शिकार होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन तारीफ करनी होगी पूरी सीरीज में बस दो ही कलाकार जमते हैं, एक तो जहीर के रोल में अंकित मोहन और दूसरी बेगम के रोल में अनुजा साठे। अनुजा साठे ने काफी अच्छा काम किया है। अगर इस वेब सीरीज को बॉलीवुड बनाता तो ये वेब सीरीज एक अलग लेवल की बन सकती थी, लेकिन अफसोस इस वेब सीरीज को मराठी में बनाया गया है। लेकिन आप फिर भी इस वेब सीरीज को एक बार तो जरूर देख सकते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप लोगों को ये वेब सीरीज एमएक्स प्लेयर पर आसानी से देखने को मिल जाएगी। आप इस वेब सीरीज को एमएक्स प्लेयर पर आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय दोस्तों।